हेलो एंड वेलकम दिस इज द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेशन ऑफ दिस प्रोग्राम एक्सेलिंग विथ एक्सेल नाउ इन दिस कोर्स वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे एंड ग्रेजुअली वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स एडवांस लेवल्स नाउ दिस वी विल बी डूइंग दिस विद अ टच ऑफ फाइनेंस दैट इज जो भी एग्जाम्पल्स हम टेक अप करेंगे दैट विल बी इंक्लाइन टुवर्ड्स सॉल्विंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ओके वाई इज एक्सेल इम्पॉर्टेंट अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि एक्सेल सीखने की जरूरत क्या है फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज़ अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अब एक स्प्रेडशीट का मतलब होता है अगर कोई भी स्ट्रक्चर आपने देखा है जिसमें सेल्स बने हुए हैं विथ विच इज ऑर्गेनाइज इन टू रोज इन कॉलम्स दैन दैट इज कॉल्ड अ स्प्रेडशीट सो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट यूबिक्यूट स्पीसेज ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज दिस सॉफ्टवेयर इज ओनली प्रेजेंट आप किसी भी कंट्री uh, में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, सो यू आर मोस्ट लाइकली टू फाइंड दिस सॉफ्टवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड ओके एंड इन फैक्ट इफ यू आस्क मी देन द फर्स्ट सॉफ्टवेयर दैट आई हैव यूज्ड ऑन माय वर्क प्लेस वॉज नथिंग बट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड वाई ऑनली ऑन द फर्स्ट डे वी आर यूजिंग इट ईच एंड एवरी डे इन फाइनेंस एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जिस दिन हम एक्सेल को यूज नहीं कर रहे हैं एस्पेशली इफ यू आर इन द फाइनेंस रोल और दर एन अकाउंटिंग रोल बिकॉज इफ यू टेक अ वर्क थ्रू फ्रॉम दी थ्रू दी फाइनेंस डिपार्टमेंट और accounting डिपार्टमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन सो आप जो व्यू आप देखेंगे दैट विल बी लाइक एवरीवन इज इजलिंग बिटवीन वर्कशीट्स ऑन देयर वर्क स्टेशन ओके वन रीजन फॉर एक्सेल सक्सेस इज ड्यू टू दक्सेस ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट एज अ होल अभी जो पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज है दैट कम्प्राइजेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ये तीन जो ट्रायो है दिस इज़ द लाइफ लाइन ऑफ आई कैन से एवरी ऑर्गेनाइजेशन बट इनके अलावा भी और भी सॉफ्टवेयर हैं लाइक पब्लिशर एक्सेस वन नोट वगैरह बट वट आई नीड टू से इज दैट सिंस दिस ऑल दिस सिंस दिस ऑफिस टू हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ एवरी ऑफिस एवरी ऑर्गेनाइजेशन सो इट इज़ एम्प्लाइड फॉर अस एज पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन टू लर्न एंड अंडरस्टैंड हाउ दिस

excel is uh, really comprehensive as it goes beyond finance so uh, since this software this application is not limited to be used by only one organization to be used by only one department so this point is another reason why it is so uh, prevalent in every organization right so uh, who uses it people like uh, people belonging to the business development

देखिए पहले एक्सेल में आप जो चीज़ें यूज कर सकते थे लाइक like, शेप्स uh, या टू डी मॉडल्स अब विद द न्यू एडवांस वर्जन्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्पेशली टॉकिंग अबाउट टू थाउजेंड नाइनटीन तो उसमें एक्सेल ने आईकॉन्स को इंट्रोड्यूस किया है देन थ्री डी मॉडल्स थ्री डी ग्राफ्स को उसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है नाउ सो दिस हैज़ टेकन दी ग्राफिंग कैपेबिलिटी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टू अनदर लेवल सो इससे बेनिफिट क्या हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन को ये बेनिफिट हो रहा है कि उन्हें कैल्कुलेशंस के लिए और प्रेजेंटेशन के लिए अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है जिस सॉफ्टवेयर पे आप इनपुट से प्रोसेसिंग तक आए वहीं से आप आउटपुट निकालिए एंड डायरेक्टली आपको जो भी रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है उसमें जाके आप पेस्ट कर दीजिए दैट सिंपल पावरफुल फिल्टरिंग सॉर्टिंग एंड सर्च टूल्स नाउ एज वट डज़ इट मीन इट मीन्स दैट यू आर एक्सेल अलाउज यू एक्सेल गिव्स यू द पावर टू सर्च फॉर एनी पर्टिकुलर वैल्यू आप किसी भी डेटा को पिन पॉइंट करके आप ढूंढ के निकाल सकते हैं

VBA stands for Visual Basic for Applications. Now, it is an event-based programming language. मतलब कोई भी एप्लीकेशन आप बनाना चाहते हैं कुछ काम करना चाहते हैं आपको VBA में जाके कोडिंग करना है and accordingly एक सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा एक एप्लीकेशन तैयार हो जाएगा जिसको आप यूज़ कर सकते हैं for the desired purpose. अब VBA का Excel में इंटीग्रेशन हो जाने से हमें क्या बेनिफिट हुआ That जो भी काम हम पहले मैनुअली करते थे अब उनको हम कर सकते हैं okay. वैसे वी बी ए का एप्लीकेशन सिर्फ इतना सा लिमिटेड नहीं है वी बी ए हैज़ वेरी वाइड एप्लीकेशन एंड इसको डिटेल में सीखने जाएंगे तो एक अलग से कोर्स बन सकता है इनफैक्ट देयर आर डेडिकेटेड कोर्सेस आउट देयर फॉर लर्निंग स्पेसिफिकली वी बी ए इनफैक्ट इफ़ इसकी और एप्लीकेशन समझाने के लिए आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल दैट आई हैड आई टू हैव अ कलीग हु यूज टू

Now the burning question is who should pursue this course? This program is intended for anyone who seeks to learn Microsoft Excel. If you are a beginner, that is आपने कभी Excel uh, या तो काम नहीं किया या फिर जो basic stuff हम आ, uh, school level पर सीखते हैं अगर सिर्फ उतना ही आता है आपको then what you can uh, learn, what you can get out of this program is that you can build a solid foundation. एक जो convenience चाहिए होता है किसी software पे काम करने के लिए so जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हाथ बैठाना that you will be able to achieve. इट विल ऑल्सो अलाउ अस टू रीच एन एडवांस लेवल देखिए इस प्रोग्राम का एस सच कोई प्रे रिक्विजिट नहीं है अगर आपको कुछ इंफॉमेसन कुछ नॉलेज नहीं है पहले पहले से देन ऑल्सो यू कैन गो थ्रू दिस प्रोग्राम एंड वी विल स्टार्ट विद बेसिक स्टफ दैट एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे बट इट डज नॉट मीन कि हम एकदम बेसिक पर ही रहेंगे वी आर ग्रेजुअली वी विल ग्रेजुअली मूव ऑन टू मोर एडवास लेवल एज वे प्रोसीड इन दिस प्रोग्राम इट विल अलाउ यू टू गेन मोर कॉन्फिडेंस बिकॉज दिस इज़ द एप्लीकेशन विच यू आर गोइंग टू वर्क ऑन ऑन अ डेली बेसिस जिस सॉफ्टवेयर पर आपको डेली काम करना है अगर उस सॉफ्टवेयर पर उस सॉफ्टवेयर पर आपकी पकड़ अच्छी है आपको उस सॉफ्टवेयर के नुएंसिस uh, पता है सब इन एंड आउट्स आपने पता है तो इट विल uh, सब इन एंड आउट्स आपको पता है तो इट विल हेल्प यू गेन मोर कॉन्फिडेंस एट योर वर्क प्लेस एंड ऑल्सो इट विल हेल्प यू बिकम एम्प्लॉयमेंट रेडी नाउ आई विल नॉट से दैट एक्सेल सीखने से कोई भी जॉब गारंटीड हो जाती है बट एक्सेल नहीं सीखने से कोई भी फाइनेंशियल रोल या अकाउंटिंग रोल वाली जॉब नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी बढ़ जाती है आई थिंक आई डू नॉट हैस यू आर अ मॉडरेट यूजर मतलब आप एक्सेल यूज करते आ रहे हैं आप अभी भी वर्क प्लेस पर एक्सेल यूज कर रहे हैं प्रोग्राम इज गोइंग टू हेल्प यू आउट द फर्स्ट थिंग इज दैट इट विल हेल्प यू टू एनहेंस यूर प्रोडक्टिविटी

बिकॉज एक्सल इज सच एन एप्लीकेशन विच इज़ मैंट टू बी यूज विद कीबोर्ड अगर आप की बोर्ड शॉर्टकट्स को यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर मोर एफिशियंट दैन द वन हु इज़ यूजिंग अ माउस नंबर वन नंबर टू माउस को यूज़ करने से इट ऑल्सो गिवस एन इम्प्रेशन कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं है आप इस सॉफ्टवेयर से ज़्यादा यूज तो नहीं है आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है सो इफ़ यू आर एबल टू यूज़ द की बोर्ड शॉर्टकट्स आप अपनी एफिशियंसी बढ़ा रहे हैं एट द सेम टाइम आप अपने एम्प्लॉयर्स पर आप अपने कलीग्स पर एक अच्छा इम्प्रेशन भी बना रहे हैं

एक्सेल 2016 में बहुत नए फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए थे एक्सेल 2019 में देर आर सम न्यू फीचर्स सो इफ यू आर नॉट अपडेटेड विद दैट, यू कैन लर्न दिस एज वेल एंड फाइनली लर्निंग टू कॉन्फिडेंटली ऑपरेट दिस सॉफ्टवेयर मीन्स एडिंग हाईली वैल्यूएबल एसेट टू योर एम्प्लॉयबिलिटी पोर्टफोलियो एज आई ऑलरेडी सेट गेन द नॉलेज दैट यू गेन आउट ऑफ दिस प्रोग्राम and of course the certification that you get on successful completion of this program then these will definitely add some value to your cv okay. table of contents what exactly are we going to learn in, the, in this program as i said that we will start with uh, right from the scratch eg the basics <laughs> start carrying excel What is the portion go kiabula jata excel interface hai and uh, what is the ribbon uh, what is the quick access toolbar what is the status bar and all that stuff बेसिक शॉर्टकट्स देखिए हम एकदम कट कौप, कॉपी पेज को भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ एंड इनफैक्ट अगर उसमें भी कुछ वैल्यू एडिशन करने का स्कोप हुआ तो आई विल डेफिनेटली डू डैट नेविगेशन के इज इज हाउ डू यू नेविगेट विद इन अ वर्कशीट विद इन द वेरियस टैब्स ऑन द रिबन मैनिपुलेटिंग वर्कशीट्स आई एम नॉट रीडिंग वन बाय वन दिस टेबल ऑफ कंटेंट्स इज बेसिकली फॉर योर रेफरेंस सो आप इसको पॉज करके अच्छे से इसको रीड कर सकते हैं ओके फॉर्मेटिंग टूल्स है इस पर हम अच्छा खासा टाइम स्पेंड करेंगे बिकॉज इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू ओनली परफॉर्म द कैलकुलेशन एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हाउ टू हाउ टू प्रेजेंट योर एनालिसिस इन अ बेटर वे एंड फॉर्मेटिंग टूल्स में स्पेसिफिकली द पार्ट विच आई फाउंड मोस्ट इंटरेस्टिंग इज द सेल्फ फॉर्मेट्स पार्ट एंड पर्टिकुलरली कस्टम सेल्फ फॉर्मेट्स सो देर इज अ लॉट ऑफ स्कोप टू प्ले अराउंड विद कस्टम्स एल फॉर्मेट्स उसमें बेसिकली आपको एक्सेल फ्रीडम प्रोवाइड कर रहे कि आप किसी भी डेटा को कैसे प्रेजेंट करना चाह रहे हैं सो वी आर गोइंग टू स्पेंड डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम वैल डिस्कसिंग कस्टम्स एल फॉर्मेट्स एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग इज वी आर गोइंग टू डिस्कस इट एट द वेरी बेसिक लेवल नेम मैनेजर इज देर पेज स्पेशल ट्रांसपोज ट्रांसपोज आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं यूजिंग द पेज स्पेशल एज वेल दोनों ऑप्शन हैं

टेक्स फंक्शन देर आर लॉर्ड ऑफ टेक्स फंक्शन विच यू आर गोइंग टू डिस्कस शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग इज देर अब शॉटिंग एंड फिल्टरिंग का मतलब आपको पता होगा इफ़ यू हैचेज एनी प्रोडक्ट ऑनलाइन तो वेबसाइट्स पर जो शॉर्टिंग के ऑप्शन रहते हैं दैट इज़ प्राइस लोएस टू हाइस्ट हाइस्ट टू लोए सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग के एग्जाम्पल्स हो गए इफ़ यू आर लेट्स से गोइंग टू बाई अ लैपटॉप तो उसमें आप क्राइटेरिया uh, स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको कितने जीबी का रैम चाहिए कितने जीबी का हार्ड डिस्क चाहिए सो दैट इज कॉल्ड फ़िल्टर सो आप जब उस क्राइटेरिया को सेट करते हैं तो अकॉर्डिंगली आपका जो डेटा है जो प्रोडक्ट्स आपके सामने आते हैं वो फिल्टर होकर आते हैं ओके ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंडीशन दैट क्राइटेरिया दैट यू हैव स्पेसिफाइड सो वो सेम चीज़ आप एक्सेल पर भी कर सकते हैं विद द डेटा दैट यू हैव ग्रुपिंग एंड हाइडिंग प्रिंटिंग सेटअप और प्रिंटिंग सेटअप का एक अपना इंपॉर्टेंस है बिकॉज uh, जब आप बिकॉज uh, जब आप कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो हर चीज का एक डेडलाइन होता है एंड इफ़ यू नो हाउ टू प्रिंट वॉट एवर यू हैव प्रिपेर इन अ लेसर टाइम विथ मोर ऑर्गेनाइज्ड इन एन एफिशियंट वे दैन डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अर वर्क मैथ फंक्शंस वेरियस मैथमेटिकल फंक्शंस इफ फंक्शंस लॉर्ड ऑफ इफ फंक्शंस आर देयर एरर चेक कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिस इज पर्टिकुलरली वेरी इंपॉर्टेंट वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स दिस कैन बी यूनिक और न्यू टू समू मैनी ऑफ यू दैट वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि जब कोई भी नाम अगर लेट्स ए मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है फॉर एग्जाम्पल देर इज़ रिलायंस एंड कहीं पर मैंशेंड है रिलायंस लिमिटेड फिर और कहीं मैं मैसर्स रिलायंस लिमिटेड सो बेसिकली दीज थ्री आर वन एंड द सेम एंटिटी राइट बट एक्सेल उसको डेफिनेटली उसको अलग अलग ट्रीट कर रहा है तो आप एक्सेल को कैसे बताएं हाउ कैन यू मेक एक्सेल अंडरस्टैंड कि वो तीनों एंटिटीज को एक ही तरह से ट्रीट करें एंड नॉट डिफरेंटली सो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स सो इस पे सो वी आर गोइंग टू परफॉर्म सम एक्सरसाइज टू लर्न अबाउट वाइल्ड कार्ड देन टेक्स टू कॉलम्स इज देयर फ्लैश फिल अ वेरी सो फ्लैश फिल इज़ अ वेरी स्मार्ट टूल विच अलाउज अस टू यू नो ओवरकम और बाईपास वेरियस फार्मूलाज सो अब बहुत फार्मूलाज को हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब से फ्लैश फिल इंट्रोड्यूस हुआ है सो वो स्मार्ट वर्क समझना भी जरूरी है सो दैट वी कैन एवॉइड यूजिंग कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज वेर एवर डैट इज नॉट रिक्वायर्ड ना एरर टाइप्स मीन्स वॉट पॉसिबली कैन गो रॉन्ग वाइल यू आर यूजिंग अ फॉर्मूला एंड उन गलतियों को कैसे ठीक करना है दैट दैट विल बी डिस्कस्ड अंड एर टाइप्स पाइवर टेबल एज आई ऑलरेडी सेट अ वेरी डिटेल्ड डिस्कशन विद ऑफ प्रैक्टिस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वी आर गोइंग टू सी विद दज फार एज पाइवर टेबल इज कंसर्न मैक्रोस एंड वी का एक सेपरेट सेशन के एक एक डेडिकेटेड सेशन रहेगा जिसमें हम वेरियस एप्लीकेशन सीखेंगे मैक्रोस का ट्रेस प्रेसिडेंस एंड डिपेंडेंस सब टोटल इंटरेक्टिव चार्ट हाइपर लिंक्स डेटा वैलिडेशन अब डेटा वैलिडेशन में जो सबसे पॉपुलर फीचर होता है दैट इज क्रिएटिंग अ लिस्ट क्रिएटिंग अ ड्रॉप डाउन लिस्ट बट इसके भी हम कुछ एक स्टेप बियॉन्ड जाएंगे दट हाउ कैन वी क्रिएट अ डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तो समझ में आता है बट एक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट का मतलब क्या है इफ़ यू गो टू एनी वेबसाइट सो अगर आप लेट से किसी कंट्री को अगर आप सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट फील्ड में सो so, एंड उसका जो सेकेंड फील्ड है अगर दैट इज़ पर्टेनिंग टू स्टेट्स सो जब आप जो कंट्री आप सिलेक्ट करते हैं ऑन द फर्स्ट फील्ड अकॉर्डिंगली आपके सेकेंड फील्ड पर वो ऑप्शनस ही आते हैं जो स्टेट्स उस कंट्री में है राइट सो द इन दिस केस आई कैन से दैट द सेकेंड फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन द first drop down list so this is an example which we can perform on the excel as well so usko kaise karna that we will see forecast sheet is there a forecast ek formula bhi hai and a uh, feature bhi hai so we are going to check them both solver is there सॉल्वर क्या करता है आप कोई भी क्राइटेरिया स्पेसिफाई कीजिए कोई कंडीशन कोई प्रॉब्लम आप बताइए सॉल्वर को एंड इट ट्राइज टू इट अटेम्प टू गिव यूर सोल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम देन डेटा टेबल इज़ डेटा टेबल गोल सिक एंड सिनारी मैनेजर बेसिकली दिस थ्री आर पार्ट ऑफ दी वॉटिकाइसिस एंड इसका फाइनेंशियल एज फार एज फाइनेंशियल एस्पेक्ट इज कंसर्न तो इसका बहुत वाइड एप्लीकेशन है एंड फाइनेंशियल मॉडल्स में भी ये फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं लर्निंग पाथवे दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि हम किस तरह से शुरू करेंगे एंड हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड इन दिस प्रोग्राम सो नथिंग टू डिस्कस एज सच हियर थिंग्स टू हैंडल विथ केयर नॉट नोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स विल मेक यू इन एफिशियंट सो यू हैव टू बी रियली फास्ट थ्रू आउट दिस प्रोग्राम आवर एंड विल बी टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन्स यूजिंग द कीबोर्ड शॉर्टकट्स ऑनली एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू केसेस फ्यू सरकमस्टेंसेज जहाँ पर मैं खुद ही आपको बोल दूंगा कि यहाँ पर माउस यूज़ करना बेटर रहेगा सो अदर देन देट हम ज़्यादातर काम हम एक्सल की बोर्ड शॉर्टकट से ही करेंगे पुअर फॉर्मेटिंग में लीव अ बैड इम्प्रेशन ऑन क्लाइंट्स और एम्प्लॉयर्स सो एज अ सेट कि हम फॉर्मेटिंग टूल्स पे डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड करेंगे सो यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस इन योर प्रैक्टिकल लाइफ एज वेल जब भी आप अपनी कैल्कुलेशंस को अपने एनालिस को आगे प्रेजेंट करें सो यू शुड मेक यूज़ ऑफ दिस फॉर्मेटिंग टूल्स नो हाउ टू डील विद एर जब भी आप फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे सो दे आर गोइंग टू ब लॉड ऑफ एरर्स उन एरर्स को कैसे समझना है कैसे डील करना है कैसे फिक्स करना है दैट वी विल सी एंड स्पेशली अगर फाइनेंशियल मॉडलिंग रिलेटेड एरर्स की बात है सो द वन मोर कॉमन एरर इज सर्कुलर रेफरेंसिंग सो उस पर भी हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे कि उसको कैसे डील करना है लास्टली मैक यूजर्स विल हैव टू फॉलो डिफरेंट सेट ऑफ शार्टकट्स बिकॉज

एंड ऑल्सो देर इज एन ऑप्शन की अगर आप चाहें इफ यू वॉन्ट तो आप जो विंडोज एक्सेल है उसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं ऑन योर मैकबुक देर आर वेज टू डू दैट इफ यू कैन फाइंड दम आउट द एक्सेल वर्जन दैट आई विल भी यूजिंग इज टू थाउजेंड नाइनटीन द लेटेस्ट वर्जन सो दैट आई कैन शो यू वॉट आर द फीचर्स अवेलेबल विद इन द लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इफ यू डू नॉट हैव टू थाउजेंड नाइनटीन वर्जन इफ यू हैव टू थाउजेंड सिक्सटीन वर्जन दैन ऑल्सो इट विल सफाइज बिकॉज थोड़े से फ़ीचर्स ही ऐसे होंगे जो आप शायद मिस करेंगे जो आपको टू uh, थाउजेंड में है जो 2016 में नहीं है बट अगर आप 2016 से भी पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं लाइक टू थाउजेंड वर्जन तो उसमें फिर आप 2016 के फीचर्स भी मिस करेंगे और 2019 के फ़ीचर भी मिस करेंगे 2016 में भी कुछ uh, अच्छे वैल्यू uh, एडिशन uh, हुए थे लाइक फोरकास्ट फोरकास्ट शीट ओके तो वो चीज़ें फिर आपको नहीं मिलेंगी एंड अगर आप 2013 से भी पुराना वर्जन यूज़ करें लाइक like 2010 और 7 और इवन 2003 तो फिर आप डेफिनेटली बहुत आउटडेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं यू शुड यू शुड ट्राई टू अपग्रेड दैट बिकॉज अगर आप अभी आज के टाइम पे अगर आप इतना पुराना सॉफ्टवेयर सीखते भी हैं तो उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा जब आप वर्क पर जाएंगे तो यू डेफिनेटली यू विल बी यूजिंग वन ऑफ द रिसेंट वर्जन माइक्रोसॉफ्ट एक्सल तो वहाँ पर फिर आपको ट्रांजिशन करने में अगेन यू विल फेस सम चैलेंजेस इट इज बेटर अगर आप जो भी रिसेंट वर्जन आपके लिए पॉसिबल है उसको आप अपग्रेड कर लीजिए वट यू गेट इन दिस प्रोग्राम यू विल भी प्रोवाइडेड विथ वीडियो लेक्चर्स यू विल भी प्रोवाइडेड विथ प्रैक्टिस वर्क बुक्स विच विल कॉन्टेंट सम की नोट्स की फॉर्मूलाज वगैरह में सिंटेक्स वगैरह कैसे रहता है कैसे यूज करना है उनको some illustrations how to use those formulas and of course at the end there will be some exercises exercises आपके करने के लिए हैं illustrations मेरे करने के लिए ठीक है तो illustrations में आई विल शो यू कि किसी फार्मूला को किसी फीचर को कैसे यूज़ करना है ये एक्सरसाइज पहले आपको करने की ज़रूरत है कि आप उसको परफॉर्म करें आप उसको ट्राई करें जो भी आपने सीखा है illustrations में एंड इफ़ यू आर एबल टू डू यूज़ दैट फीचर और फार्मूला परफेक्टली और नॉट Now, of course, the solution to these exercises will also be there in the video lectures itself. Okay. Next is the cheat sheet. Now, this is nothing but a list of Excel shortcuts that we are going to discuss, and some shortcuts beyond that. And lastly, the certificate which you are going to get on successful completion of this program. Lastly, uh, there is a quote. Uh, I'll conclude with this uh, thought here: that don't be too comfortable with employment.

सो वैन यू कीप लर्निंग यू विल स्टम्बल अपन दैट वन पर्टिकुलर स्किल जिस पर आप अपना पूरा कैरियर को बेस कर पाएंगे ओके सो कीप लर्निंग कीप अर्निंग एंड कीप ग्रोइंग सो विद दिस आई कंक्लूड दिस इंट्रोडक्टरी सेशन हियर इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम इफ यू वांट टू नो एनी डिटेल्स सो फॉर यूर इन्क्वायरीज यू कैन रीच आउट टू अस इन दिस गिवन मेल आई डी सो So that's all for the introduction here. See you in the next session.